Okay guys, so far we have discussed the major plate and minor plate, and we have some idea about the interior of the earth as well. So now we will discuss our next topic, that is major physiographic division. Major physiographic division. So major physiographic division में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो. The first we will discuss the Himalayan mountain. Second we will discuss the northern plain. Third we will discuss the peninsular plateau. And next we will discuss the Indian desert. And next we will discuss the coastal plain. And next we will discuss the island. So these are the six major physiographic division of India. In this we will read the Himalayan mountain, northern plain, peninsular plateau, Iceland, coastal plain and Indian desert. So let's read one by one. First, the Himalayan mountain range. So you need to note down certain point about the Himalayan range. Ki Himalayan range is a great wall over northern plain, northern areas. यानी आपके northern side में एक great wall है. यानी first point, great wall over northern border. Second is it run into west to east, means Indus se leke Brahmaputra tak, Putra river tak ye stretch hoti hai. Indus river se leke Brahmaputra river, yani Indus aapki agar dekha jaye, suppose karo ye aapka Kashmir hai, to Indus aapki yahan se behti hai aur Brahmaputra aapki yahan se behti hai. तो ये वेस्ट है, हो गया, ये ईस्ट हो गया. तो वेस्ट से ईस्ट स्ट्रेच हो रहा है नॉर्दर्न बॉर्डर पे. ये ऊपर का नॉर्दर्न बॉर्डर है, तो वेस्ट से ईस्ट नॉर्दर्न बॉर्डर पे स्ट्रेचेस है क्या हिमालय माउंटेन. मतलब आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर यहाँ भी है, नॉर्थ ईस्ट के साइड भी है, यहाँ से यहाँ तक हिमालय है. नेक्स्ट पॉइंट, हिमालयन माउंटेन इज अनस्टेबल जोन. ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल जोन है. सेकंड, इट हैज यूथफुल टोपोग्राफी. नेक्स्ट, हाई पीक, मतलब इसकी जो पीक है, चोटी है, बहुत ज्यादा हाई है. डीप वैलीज and Young Fold Mountain, also known as Young Fold Mountain. आप fold के बारे में already पढ़ चुके हो, मैं बता चुका हूँ fold, फिर से बताता हूँ हल्का सा. ये rock होती हैं, ये आगे कभी काम आएगा हिमालय formation पे. ये rock होती हैं, जब rock को ऐसे pressure पड़ता है तो ये कैसे बन जाती है, simple, ये इस तरह से हो जाती है. जैसे आप किसी कपड़े को ऐसे स्ट्रेच करते हो तो ऊपर की तरफ ही उठता है, तो इसी को फोल्डिंग बोलते हैं. तो ये आगे फॉर्मेशन ऑफ हिमालय में काम आएगा, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय.
देखो, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, ये आज की बात नहीं है, काफ़ी साल हो गए। सो इस प्रोसेस को लगभग आप ये समझो कि मोर देन मिलियंस ईयर अगो, कि द फर्स्ट लाइफ दैट मोर देन मिलियंस ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, मिलियंस ईयर अगो, एक बहुत ही बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट होता था, जिसको आप सुपर कॉन्टिनेंट बोलते थे, जिसको पेंजिया के नाम से जाना जाता था, पेंजिया। और बाद में धीरे धीरे ये पेंजिया है ये टूटने लगा, और टूट के इसके दो भाग हुए, एक नॉर्दर्न पार्ट एंड दूसरा सदर्न पार्ट। नॉर्दर्न पार्ट को आपने कहा अंगारा लैंड, और सदर्न पार्ट को आपने कहा गोंडवाना लैंड। ये पेंजिया टूटा, एक को अंगारा लैंड बोला, एक को गोंडवाना लैंड बोला। अब देखो इसमें होता क्या है, बेसिकली आपको सभी समझ आएगा कि ये मैं क्या बता रहा हूं। देखो यहाँ पे एक सुपर कॉन्टिनेंट होता था, यहाँ पे सपोज करो ये पेंजिया है, और पेंजिया बाद में दो भागों में टूट गया, ब्रेक डाउन इनटू टू पार्ट्स, जिसमें आपने एक को कहा क्या अंगारा लैंड, और दिस इज गोंडवाना लैंड। और बाद में इस प्लेट में ऐसे मूव करना स्टार्ट किया, इन्होंने मूव करना स्टार्ट किया, बाद में एक टैथिसी होता था, एक टैथिसी होता था, और बाद में ये जो टैथिसी था ये टैथिसी डूब गया और सबडक्ट हो गया, और सबडक्ट होने के बाद यहाँ से आपका हिमालय राइज हुआ, यानी हिमालय बना। देखो कैसे बना, किस तरह से बना, आपको मैं बेसिक आइडिया देता हूँ। जैसे ये आपकी, पहले आपका इंडिया इधर होता था, इस साइड बहुत ही नीचे, और धीरे धीरे ये इंडिया ऐसे होते हुए ऊपर होते हुए ऊपर होते हुए ऊपर होते हुए ऊपर होते हुए यहाँ पे बन गया, और फिर बाद में यहाँ पे आपका इंडिया पहुंचा। पहले यहाँ पे था, ऐसे ऐसे मूव करता रहा, ये इधर मूव करता रहा, क्यों मूव करता रहा, और यहाँ इन बिटवीन कहीं आपका टैथिसी होता था, और ये टैथिसी जब था, जब ये लैंड ऊपर की तरफ मूव करी, जब ये लैंड ऊपर की तरफ मूव करी, तो ये टैथिसी सारा का सारा डूब गया, और डूब के आपको पता चलेगा जो इस साइड है, इस साइड आपका बे ऑफ बंगाल बना, और इस साइड आपका अरेबियन सी बना, और ये हिमालय की फॉर्मेशन हुई ऐसे। सो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, यू नो नीड टू गो इन टू द डिटेल, एज इन द हायर क्लास यू विल रीड दिस। सो बेसिक, यू मस्ट हैव द बेसिक आइडिया कि आपका जो ये प्लेट है, ये बाद में ऊपर जो यूरेशियन प्लेट थी, जो प्लेट प्लेट टकराने से ऊपर ऊपर ये अराइज हुआ। सो दिस इज अबाउट ए वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। सो इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल रीड, इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल रीड अबाउट द हिमालय, हिमालय इन डिटेल, कि पहले आपका जो ट्रांस हिमालय बना, उसके बाद आपका जो लेसर हिमालय, फिर आपका शिवालिक, और इनकी जियोलॉजिकल एज अलग अलग है। ट्रांस हिमालय मतलब जब पहले जब प्लेट टकराई, तो जो सबसे पहले हुआ, यानी जो ट्रांस हिमालय, बियॉन्ड हिमालय जो बना, जैसे आपके लद्दाख वद्दाख रेंज है, ये सारी ट्रांस हिमालय में आती है। लेसर हिमालय यानी आपका हिमाचल वाला एरिया, और शिवालिक यानी आपकी नीचे शिवालिक रेंज, जो अभी राजस्थान में इधर जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ बन रही है वो शिवालिक हैं। तो इस तरह से हिमालय फॉर्म हुआ। अगले टॉपिक में इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फार यू हैव रीड ओनली टू टॉपिक, द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया एंड द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। ओके गाइज, सो लेट मी नो इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम, वी विल रीड नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।